आप सभी लोग को पीहू किचन में स्वागत है। तो देखिए आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरे का लड्डू। तो मुरमुरे का लड्डू बनाने के लिए तो हमें 4 कप लाई है हमारा, तो 1 कप यहाँ पे गुड़ चाहिए। अब लाई को हम पहले से सेक दिए हैं। सेकने से क्या है कि जो हमारा लड्डू बनेगा मुरमुरे और करारे, अगर हमारी रेसिपी आज की आप लोग की अच्छी लगेगी तो बहुत लाइक और शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इधर हम अपना पैन रख दिए हैं गैस ऑन कर कर, तो हम उसमें 2 चम्मच वेल डाल रहे हैं। आप यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। अगर आज बनाकर खा लेंगे घर पर तो बाज़ार का स्वाद आप टेस्ट भूल जाएंगे। तो 1 चम्मच हम यहाँ पर चीनी ऐड कर रहे हैं, और चीनी ऐड करने के बाद हम जो हम गुड़ रखे हैं उसको भी ऐड कर देते हैं के साथ। इधर हमारा जो गुड़ है बहुत जल्दी से, तो देखिए गुड़ मेल्ट होने के बाद चीनी और पानी हम डाले हैं तो बहुत जल्दी से मेल्ट हो गया है। तो उसके साथ जो हमारा लड्डू बनने वाला है एकदम करारा और कुरकुरा, सिर्फ 4 मिनट पकाना है गुड़ को। तो 4 मिनट देखिए इधर हो चुका है। तो हम जो मुरमुरे सेक कर रखे हैं उसको भी उसी में ऐड कर देते हैं। तो देखिए अच्छे से मिक्स भी हो गया। तो हम हथेलियों में घी थोड़ा थोड़ा लगा कर चिकना कर कर तो हम उसको गरम गरम ही हल्के हाथे से उसको बांधना है, उसका गोल शेप देना है लड्डू के तरह। ज़्यादा मतलब उस पर जोर नहीं लगाने का है, बस सिर्फ हल्के हाथ से आपको उसको गोल लड्डू के शेप में देना है। तो आपकी चॉइस है और बड़े और छोटे आप कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कुरकुरे और करारा इतना खस्ता बना है बस सिर्फ 1 चम्मच चीनी से और 1 चम्मच पानी से। तो हमारा सब लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इधर दूसरा तैयारी कर लेते हैं, दूसरे ट्रिक का। बहुत आसान है, जिसको गुड़ खाना नहीं पसंद है वो भी गुड़ खाने लगेगा। थोड़ा क्या है कि 2 मिनट आपको समय निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो हमारे जो गुड़ गट्टा है उसको बोला जाता है गुड़ गट्टा। तो गुड़ गट्टे बनाने के लिए देखिए हमारा जो गुड़ है तो उसको छोटे छोटे हम टुकड़ा कर दिए हैं। तो उसके लिए फिर से हम वही पैन ले लिए हैं। तो उसमें भी हम 1 चम्मच घी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और 1 चम्मच चीनी भी। और जैसे हम डाले हैं लड्डू में से हम 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच पानी, वही ट्रिक हमें यहाँ भी लेना है। तो देखिए हमारा 1 चम्मच पानी 1 चम्मच चीनी है। तो इसके भी जो हमारा गट्टा बनेगा हमें काटने की ज़रूरत नहीं, आप हाथों से इसको तोड़ सकते हैं बनने के बाद। तो हमारा देखिए जो चीनी और घी हुए अच्छे से उसमें मिक्स हम कर देते हैं। तो जो हम अपना गुड़ रखे हैं टुकड़े बनाकर उसको भी ऐड कर कर अच्छे से यहाँ मेल्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से इसमें बबल्स आने लगा है। तो हमें इसको यहाँ पर एकदम पकाना है, इतना पकाना है कि हम जैसे चिक्की का शेप बनाते हैं, तिल का चिक्की बनाते हैं और मूंगफली का चिक्की बनाते हैं, तो उसी का ट्रिक हमें यहाँ पर लाना है। तो देखिए हमें कितने अच्छे से यहाँ पर बबल्स भी आने लगा। तो हम लेंगे 1 चम्मच सौंफ। तो हम सौंफ को इसमें ऐड कर रहे हैं, हमारा जो टेस्ट है इसका खुशबू फ्लेवर है बहुत कई गुना बढ़ जाएगा। जिसका मन नहीं रहेगा वो भी खा सकते हैं, इतना करारा और इतना खस्ती बनेगी कि आप हाथों से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुका है पकने के लिए। तो हम गुड़ को थोड़ा सा पानी में हम डाल दिए थे ठंडा होने के लिए। तो देखिए बहुत दिख आसानी से टूट रहा है हाथों से। तो हाथों से तोड़ने के बाद हमें 1 चम्मच यहाँ पर चाहिए बेकिंग सोडा, मीठा सोडा खाने वाला। तो हम सिर्फ 1 चिटकी हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि हम ढोकला का डो तैयार करते हैं उसी के शेप में हमें यहाँ पर भी मिक्स करना आया था उसी की तरह आएगा। एकदम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान इधर ही देने का है फ्रेंड्स। देखिए आपको हमारे चलाने से पता चल रहा है कि गुड़ का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, और उसमें जाली अभी से एक एक दिख रही है। तो अब इतनी से आप यकीन करिए कि जो आपकी गट्टा बनेगा गुड़ का खाने में इतना खिस्ती इतनी करारा बनेगा कि अभी आपका मन पिघल जाएगा।
मन तो ऐसा हो रहा है कि हम अभी खा लें, पर इतना टेस्टी और इतना सोन सोन है, इसकी खुशबू आ रही है। तो देखिए, हम पहले से एक थाली में, हमें यहाँ आप लोग को हमें याद दिला रहे हैं कि एक थाली में इसको बनाने से पहले आप घी से सजा दीजिएगा। इसमें को घी प्लेट में, चाहे थाली हो, जो भी आपके घर में बर्तन हो, उसमें आप पहले से तैयारी कर दीजिएगा। देखिए, हम पहले से थाली रख दिए थे, तो हमारा गुड़ जो हम गट्टा बना कर रखे हैं वो बन पक चुका है। तो हम इसमें ऐड करते हैं, बस एक घंटे के लिए उसको हमें रखना है ठंडे होने के लिए। तो हम, आप यहाँ पर चाहिए तो गर्म है तो आप काट भी सकते हैं, नहीं चाहिए तो जैसे गट्टा मार्केट में मिलता है उसी तरह आप हाथों से एक घंटे के बाद इसको तोड़ भी सकते हैं। तो अगर हमारी आज की रेसिपी गुड़ गट्टे की और मुरमुरे की लड्डू की अच्छी लगेगी तो आप लोग मार्केट का खाना भूल जाएंगे। और लाइक और शेयर प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।